भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, जिनके यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव से गठबंधन के लिए बात नहीं बन पाई थी और गठबंधन नहीं हुआ था, जिसके बाद उनकी खुद की जमानत जब्त हो गई क्योंकि वो गोरखपुर से लड़े थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने, वह उनकी जमानत ही जब्त हो गई। आज वो जयंत चौधरी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर जाकर मिले हैं और ऐसा लगता है कि जयंत के साथ उनकी बात बन जाएगी। यूपी के लिए हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 2023 राजस्थान के चुनावों के लिए। 2023 में राजस्थान में चुनाव होने हैं, वहाँ पर बसपा काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, ये यूँ कह लीजिए बसपा लगभग ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में चंद्रशेखर को पहले वही राज्य टारगेट करने पड़ेंगे जहाँ पर बसपा का जनाधार शून्य हो चुका है, क्योंकि अगर वो वहाँ से शुरुआत करेंगे तो उनके पीछे वोटर जुड़ेगा। यूपी से शुरुआत करेंगे तो इस चुनाव में तो वैसे भी उनके पीछे वोटर जुड़ना मुश्किल था। ऐसे में राजस्थान के लिए उनको जयंत का साथ मिल सकता है और राजस्थान की राजनीति में वो और जयंत एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। देखने वाली बात होगी, अगर दोनों एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो क्या कांग्रेस के साथ ही लड़ेंगे या कांग्रेस से अलग होकर लड़ेंगे, ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया हॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।